हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हम जो है ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं उसमें हम फिजिक्स का सिलेबस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मैंने पहला एक वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिया है जिसमें मैंने बेसिक से बिल्कुल स्टार्टअप से मैंने बताया था इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या उस चैप्टर से आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो चलिए आज की हम जो क्लास स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं इस चैप्टर की ये जर्नी अपने ब्यूटीफुल से चैनल OWE एकेडमी पर। तो आज देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं। उन टॉपिक्स के बारे में पहले एक बार बात कर लेते हैं। जो है टॉपिक्स में पहले रहेगा हमारा कूलाम का नियम। क्या रहेगा? कूलाम का नियम। ये पूरा हम जो है समझने वाले हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है, और फिर इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कूलाम के नियम के सदिश रूप में, ठीक है। इसके बाद में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये समझेंगे हम लोग। उसके बाद कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर समझेंगे। फिर लास्ट में जो है इनकी समानताएँ और असमानताएँ हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जल्दी जल्दी हम लोगों को नहीं करना है, बड़े धीरे धीरे हमें टॉपिक्स को समझना है। और फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर आप जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर अप कराइए, तो YouTube में जो है एक ऑप्शन आता है जिसमें आप स्पीड को थोड़ा सा तेज करके देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए धीरे धीरे अगर हम बात करके चलेंगे टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा और सबके कंसेप्ट एकदम से क्लियर भी होंगे, ठीक है। तो देखिए समझते हैं हम लोग जो है कूलाम का नियम, ठीक है। इससे पहली जो क्लास हमने दी थी वो हमने इंट्रोडक्शन दिया था चार्ज का, ठीक है। उसी पर ये नियम है जिसमें हमने जो आवेशों का एक गुण पढ़ा था कि जो एक समान जो आवेश होते हैं यानी सजातीय जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे पर कैसा बल लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। वहीं ये आवेश अगर विपरीत प्रकृति के होते हैं यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, यानी एक धनावेश और एक ऋण आवेश हो, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। इस केस में ये क्या लगाते हैं? आकर्षण बल, जब ये दोनों विपरीत प्रकृति के हों। और जब ये एक जैसी प्रकृति के होते हैं तो ये कैसा बल लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो बल की मात्रा कितनी होती है, उस बल का मान कितना होता है, ये हमें बताया किसने? कूलाम ने, ठीक है। तो बात करते हैं इसी की, इस टॉपिक की। क्या है इसका स्टेटमेंट, पहले वो समझें। स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, कौन सा? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि देखिए दो आवेश हैं, एक आवेश है आपका Q1 और दूसरा आवेश है आपका Q2, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी है R, ठीक है। तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि जो बल लग रहा होगा इनके बीच में F, वो कैसा होगा? समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, ठीक है। आगे, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो इनके बीच की दूरी है r, इसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी आवेशों की मात्रा और गुणनफल के समानुपाती हो गया और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर मैं इन दोनों को मिला करके लिखता हूं, अर्थात दोनों को हम मिला करके लिखते हैं अगर, तो F समानुपाती Q1 Q2 और अपॉन में कौन आ जाएगा? R स्क्वायर। अपॉन में कौन आ जाएगा? R स्क्वायर, ठीक है। अब हम समानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे, इसका चिन्ह हटाएंगे, अब हम समानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे अब, तो यहां पर इक्वल लगाने में एक कांस्टेंट आएगा के, जहां के क्या है, जहां k
के जो है वो आपका एक बीमाहीन, कैसी बीमाहीन नियतांक है आपका, बीमाहीन नियतांक है, ठीक है। यानी कि इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी देखिए उसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहां से के का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है दो बातों पर। पहली बात क्या है कि जो आपके आवेश थे Q1 और Q2 अगर ये दोनों वायु में स्थित हों, यानी इनके बीच में कोई माध्यम ना हो, ठीक है, तब जो K का वैल्यू होगा क्या होगा, जब पहली बात क्या होगी, जब आवेशों के बीच वायु या निर्वात, वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तो जो के का वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एप्साइलन जीरो। देखिए के क्या था, एक बीमाहीन नियतांक था, तो यानी इसकी एक नियत वैल्यू होगी, नियतांक है मतलब एक नियत वैल्यू होगी इसकी, जो कि वो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ जो है इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तब आपका जो बल होगा वो बल कितना होगा, तब वैद्युत बल या फिर आप कह सकते हैं कूलाम का नियम। तब कूलाम का नियम क्या बन जाएगा, कूलाम का नियम ये आपका बन जाएगा F बराबर में, यहाँ K की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में क्या R², ठीक है। इस एप्साइलन को क्या बोलते हैं, एप्साइलन जीरो क्या है, एप्साइलन जीरो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। यहां तक क्लियर है एकदम टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो कूलाम का नियम होता है F समानुपाती Q1 Q2 / R², जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे K एक कांस्टेंट आएगा, K क्या है, एक बीमाहीन नियतांक है जिसकी की फिक्स वैल्यू है, और वो भी वैल्यू दो तरीके से आती है, पहला जब आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो तब इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 जिसका की फिक्स वैल्यू है 9 × 10⁹, ठीक है। और जो एप्साइलन जीरो होता है उसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युत शीलता, क्या बोलते हैं इसे हम, निर्वात की वैद्युत शीलता, और इसकी भी सर एक फिक्स वैल्यू होती है, एप्साइलन जीरो की क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है, जो कि आप डायरेक्ट याद करेंगे उसे 8.85 × 10⁻¹2, ठीक है। और इसका यूनिट बन जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन में Newton × m², ठीक है, ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है सर। अरे समझ में आ रहा है बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम जो है अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, पहला पॉइंट है जब वायु या निर्वात हो, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जब इनके बीच में क्या हो जाए सर, माध्यम, क्या हो जाए, माध्यम। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे कि जब आवेशों के बीच
आवेशों के बीच क्या हो? परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो। परावैद्युत माध्यम कौन कौन से होते हैं, क्या क्या माध्यम हो सकता है बीच में? अगर इन आवेशों के बीच में मान लीजिए कांच रख दिया जाए, या इनके बीच में क्या भर दिया जाए, अभ्रक भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए, अभ्रक भर दिया जाए, या फिर इनके बीच में मान लीजिए कोई कागज, क्या लगा दिया जाए, कागज, इनके बीच में क्या लगा दिया जाए सर, कागज लगा दिया जाए। तब उस केस में देखना बल का मान कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में जो है उस के का मान कितना हो जाएगा। बल का मान बाद में कहेंगे, पहले के का मान, के का मान हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहां इस एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर माध्यम की वैद्युत शीलता। किसकी वैद्युत शीलता कहते हैं, माध्यम की वैद्युत शीलता। ठीक है, और ये कैसे निकल के आएगा जरा अब देखिए। हम के का मान पहले हम एफ में रख देते हैं, तो एफ बराबर क्या बन जाएगा, जहां के था उस के की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रखा था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जब वायु थी दोनों आवेशों के बीच में। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या रख दिया गया, एक परावैद्युत माध्यम रख दिया गया, तो उस केस में सूत्र क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू में आ जाएगा आपका Q1 Q2 एंड अपॉन में R2। यहाँ जीरो नहीं आएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना, केवल क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे आती है, वो आती है भैया इस परावैद्युत के हिसाब से, परावैद्युत माध्यम के हिसाब से। माध्यमों का होता है सर परावैद्युतांक, क्या होता है, माध्यमों का परावैद्युतांक होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो वो परावैद्युतांक क्या होता है उसके बारे में पहले बात कर लें। और ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, जब वायु थी तब तो न्यूटन का जो सूत्र था, सॉरी कूलाम का जो सूत्र था, वो था एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 upon R2। ठीक है, और जब उनके बीच में क्या रख दिया गया था, माध्यम रख दिया गया था, तो बल का मान कितना हो गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 upon R2। ठीक है, इसके बाद में आता है सर परावैद्युतांक। ठीक है, क्या परावैद्युतांक क्या होता है, इसको हम K से डिनोट करते हैं सर परावैद्युतांक को। ठीक है, परावैद्युतांक बराबर होता है हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, हम परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो यहां से देखना एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एप्सिलॉन 0 × K, इसको हमने इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये आ गई एप्सिलॉन की वैल्यू। अगर इसको अब हम यहां पुट कर देंगे तो देखना ये नियम कितना बन जाएगा, अब सूत्र क्या हो जाएगा, अब ये सूत्र हो जाएगा एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू में आपका आ जाएगा Q1 Q2 upon R2। ठीक है, ये आ गया आपका कूलाम का नियम। ठीक है, ये था आपका पूरा कूलाम का नियम, जिसमें ये K का वैल्यू क्या है सर, परावैद्युतांक है, और परावैद्युतांक अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम अचालक की बात करें, अचालक पदार्थ के लिए, अचालक के लिए पॉइंट बना लेना इनको, पॉइंट नंबर एक के अचालक के लिए जो के का वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। के का वैल्यू कैसा होता है, 1 से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट धातुओं के लिए, किसके लिए, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए इसका मान जो होता है वो होता है सर अनंत, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और तीसरा जल के लिए, किसके लिए, जल के लिए,
जल के लिए, ये याद कर लेंगे तो ये काम में आएगा। जल के लिए इसके का मान होता है 80 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, ये था कूलाम का नियम, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है अब कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है, वह कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप क्या होता है इसका, हमने अभी अभी जो है कूलाम का सूत्र पढ़ा, क्या होता है एफ इक्वल टू 1/4π ε₀ Q1 Q2 r²। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास में, ये बल का परिमाण है सर। क्या है बल का परिमाण? ठीक है, जहां हम वेक्टर की बात करते हैं, सदिश की हम बात करते हैं, तो सदिश में आपका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो उसी को हम यहां पर प्रूफ करेंगे। दिशा सहित इसकी जो परिमाण और इसकी दिशा दोनों के साथ हम जो है इसे हमें सिद्ध करेंगे। अब ठीक है, देखिए ये है आपका कार्तीय तल, ये क्या है आपका कार्तीय तल, जिसमें ये एक्स अक्ष बोल देते हैं और ये क्या बोल देते हैं हम, वाई अक्ष, इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब ये आपका रहा ओरिजन, क्या रहा आपका ओरिजन यानी मूल बिंदु, ये क्या है आपका मूल बिंदु, और यहां पर दो बिंदु आवेश, एक आपका Q1 है दूसरा आपका Q2 है। ठीक है, और इनके स्थिति सदिश, Q1 का जो स्थिति सदिश है वो तो है R1 वेक्टर, और Q2 का जो स्थिति सदिश है वो है R2 वेक्टर। दोनों की स्थितियां जो है मूल बिंदु से क्या है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ठीक है, R1 वेक्टर इंटू R2 वेक्टर, सॉरी इंटू नहीं, R2 वेक्टर Q2 का। ठीक है ना, तो देखिए परिमाण और दिशा दोनों की अगर हम बात करें, तो पहले केस में कि Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल, जिसको हम कह रहे हैं F12, क्या कह रहे हैं F12, जिसमें इसका परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है 1/4π ε₀ एंड Q1 Q2 और अपॉन में कौन, डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, मान लीजिए Q1 से Q2 की तरफ R12, क्या ले लिया हमने R12, तो डिस्टेंस लेंगे हम R12 का स्क्वायर। तो ये तो रहा परिमाण, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि सदिश जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं उसके, नंबर एक तो परिमाण और दूसरा उसमें उसकी दिशा प्लस दिशा। ठीक है, तो हमने यहां पे परिमाण तो ले लिया कूलाम के नियम का, क्या ले लिया परिमाण, अब दिशा कैसे लें, तो दिशा को जो व्यक्त करता है वो होता है इकाई सदिश, क्या होता है इकाई सदिश, जिसको हम इसकी गुणा में लगा करके, इकाई सदिश को कैप लगा करके शो किया जाता है। ठीक है, और R12 यानी कि पहले आवेश से दूसरे आवेश की तरफ इसकी क्या है दिशा है। ठीक है, पहले आवेश से
दूसरे आवेश की तरफ इसकी दिशा है R12। इस पर कैप लगा हुआ है यानी कि ये एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, जो कि क्या काम करता है, सिर्फ दिशा व्यक्त करने का। ठीक है, अगर हम परिमाण इसका जो आपका जो इकाई सदिश है इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो वो कैसे निकलती है, तो इकाई सदिश की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे कि कोई भी एक वेक्टर है ए, ए का कैप लगा हुआ है मतलब कि ये एक इकाई सदिश है, इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि एक वेक्टर और उस वेक्टर में उसके परिमाण का भाग कर देते हैं, जिससे कि कौन आ जाता है, इकाई सदिश का मान आ जाता है। ठीक है, तो सर ऐसा ही अब हम यहाँ करने वाले हैं कि जो R12 कैप है उसकी जगह पर हम क्या रखने वाले हैं कि R12 वेक्टर और उसका परिमाण, उसका परिमाण क्या ले लिया हमने R12। जब इसे हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका F12 आपका चेंज हो जाएगा 1/4πε0 और Q1Q2 और अपॉन में R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप की जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं। ठीक है, R12 कैप की जगह पर हम क्या रख सकते हैं कि R12 वेक्टर अपॉन R12। अब ये आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 और Q1Q2 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई 1 पावर इसकी है 2 इसकी है, तो कितना हो जाएगा R12 का क्यूब और इनटू में कौन आ जाएगा R12 वेक्टर। अब R12 वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, R12 वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, तो देखिए उसके लिए सीधा सीधा जो है सदिशों का एक क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि मानिए दो सदिश हैं आपके पास में, एक सदिश है ए वेक्टर और दूसरा है आपके पास में बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करके आपको एक परिणामी सदिश निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं कि एक वेक्टर की पूंछ हो और एक वेक्टर का सिर हो, तो सिर तो हमने ले लिया ए वेक्टर का और पूंछ हमने ले ली बी वेक्टर की। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर जो सदिश आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा पहले की पूंछ और दूसरे के सिर की तरफ, जिसका कि हम कुछ नाम रख सकते हैं आर वेक्टर। ठीक है, मैथ वालों को समझ में आता है लेकिन बायो वालों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इतना टफ भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, कि एक वेक्टर का सिर हो और एक वेक्टर की पूंछ हो तो रिजल्ट कैसे आता है, एक वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के सिर की ओर इसका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आता है। ठीक है, तो इसी काम को अब हम यहां करने वाले हैं, एक मिनट पहले देख लेते हैं, यहां हमें चाहिए R12 वेक्टर की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास में पोजीशन वेक्टर्स थे मूल बिंदु के साथ, Q1 का था R1 और Q2 का था R2। ठीक है, अब हमें चाहिए R12 वेक्टर यानी कि इस तरफ वेक्टर चाहिए हमें Q1 से Q2 की तरफ, इस तरफ चाहिए तो डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगी। ठीक है, हमें इस तरफ वेक्टर चाहिए तो डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगी। तो अब ये परिणामी सदिश है, मान लीजिए ये परिणामी सदिश है, तो ये आया कैसे होगा कि एक की पूंछ और एक का सिर, तो देखिए सिर किसका है R1 का, R1 का क्या है सिर, R1 का सिर है और R12 की पूंछ है। ध्यान से समझिए इसे, क्या होगा कि सिर किसका है, जरा ध्यान से देखिए, मैं वहीं से यहां ले लेता हूं जरा, कि ये तो रहा आपका R1 वेक्टर। ठीक है, दूसरा वेक्टर आपका ये है R21 वेक्टर। ठीक है, एक का सिर है दूसरे की पूंछ है, अब रिजल्टेंट जो आ रहा है वो पहले की पूंछ और दूसरे के सिर की तरफ आएगा, जो कि कौन है R2 वेक्टर, जो कि कौन है R2 वेक्टर। तो आप यहां कह सकते हैं कि R1 वेक्टर
देखिए जैसे आपने इसको किया ना, ए प्लस बी इक्वल में कौन आया था, आर, तो ऐसे ही अब इसका है आर वन प्लस आर टू वन प्लस करके लाएंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन आएगा, आर टू, आर वन वेक्टर प्लस आर टू वन, आर टू वन नहीं ये वन टू है, आर वन टू, आर वन टू, तो आर वन वेक्टर प्लस आर वन टू वेक्टर और इक्वल में रिजल्टेंट में कौन आ गया, अब ये रहा ना पहले की पूछ और दूसरे के सिर की तरफ रिजल्टेंट वेक्टर आता है जो कि रिजल्टेंट में कौन बन गया, आर टू वेक्टर, आर टू वेक्टर, तो हमें चाहिए वैल्यू सिर्फ किसकी, आर वन टू की, तो आर वन टू वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी कि आर टू वेक्टर माइनस इस आर वन को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी आर वन वेक्टर, ठीक है ये आर वन टू वेक्टर की वैल्यू आ गई, क्लियर एकदम, किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इसको जरा मैं हटा रहा हूं अब यहां से। अब इसी तरीके से ये हमें जो है वैल्यू पहले तो मैं यहां पुट कर देनी है इस जगह पर, देखिए अब इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर देता हूं यहां इस जगह पर, ठीक है पुट करिए जरा, तो एफ वन टू जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वन टू का क्यूब और इनटू आर वन टू वेक्टर की जगह पर हम लिख पाएंगे क्या, आर टू वन वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, ठीक है। अब ये हमने निकाला है पहले आवेश के कारण दूसरे पर बल जो है, कैसे निकाला है हमने, पहले आवेश के कारण दूसरे पर बल, इस क्यू वन के कारण क्यू टू पर बल निकाला था, ठीक है। अब ऐसे ही बल निकालेंगे किसके कारण, क्यू टू के कारण क्यू वन पर, इसी प्रकार F21 यानी कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल वो कितना होगा कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, जो कि दूसरे के कारण पहले पर है इसलिए हमने पहले, तो हमने पहले कारण दूसरे पर था तो R12 लिखा था, अब दूसरे कारण पहले पर निकालना है तो R21 लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर इसकी वैल्यू आएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, जस्ट उल्टा आएगा इसका, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन करता हूं, अब अगर इसमें से हम क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन, तो F21 इक्वल में आ जाएगा माइनस कॉमन करते ही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इनटू में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। देखिए इतनी वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो अगर गौर से, जो ये वैल्यू है ये वाली, ये इतनी वैल्यू किसकी बन रही है, F12 की बन रही है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे R12 का क्यूब है, ये R21 का क्यूब है, तो भैया डिस्टेंस तो यही है ना, Q1 के कारण Q2 तक की डिस्टेंस कितनी थी, R12 थी। अब 2 के कारण 1 की बात करेंगे तो R21 वेक्टर होगी, लेकिन परिमाण तो सेम ही होगा ना, ये क्या है नीचे परिमाण ही तो है, क्या ये परिमाण भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। तो हम इसकी जगह पर हम क्या भी कह सकते हैं, इसकी जगह पर हम कह सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल में माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन का क्यूब, आर टू वन की जगह पर कहेंगे अब आर वन टू,
क्या कहेंगे, आर वन टू, और जो ये चल रहा है ये आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, ठीक है। अब तो ये पूरी वैल्यू बन गई किसके जैसी, एफ वन टू के जैसी, जिसे हम इक्वेशन वन मान सकते हैं। और यहां लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, एक से लिखेंगे तो देखना जरा क्या होगा, एफ टू वन वैक्टर इक्वल माइनस, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एफ वन टू, क्या लिख सकते हैं एफ वन टू, ठीक है। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, हमने ये वैल्यू निकाल दी एफ टू वन जो आ रहा है वो माइनस एफ वन टू के आ रहा है, तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकलेगा। पहले तो ये एकदम से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और जो पीछे का रह गया है वो भी मैं अभी दिखा दूंगा पूरा आपको, ठीक है ना। तो पहले तो ये पूरा समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब इसका क्या निष्कर्ष निकला, इसका निष्कर्ष निकलता है कि जो टू वन है दूसरा आवेश पहले पर जो बल लगा रहा है सेम उसका विपरीत बल, ये माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिशन दिखा रहा है, विपरीत दिखा रहा है, यानी कि इतना ही बल वन ये टू पर अप्लाई करेगा, ठीक है ना। जितना बल दूसरा आवेश पहले पे कर रहा है उतना ही पहला आवेश दूसरे पर भी करेगा, इससे ये निष्कर्ष यहां पर निकलता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो निष्कर्ष दिखा सकते हैं आपको, ये तो खैर पूरा ही लिखा हुआ है, दिख रहा है पूरा आसानी से। अब मैं निष्कर्ष लिखता हूं इसका, निष्कर्ष क्या निकला इससे, निष्कर्ष निकला के वैद्युत बल या फिर आप कह सकते हैं कूलाम का नियम, कह सकते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है। यानी कि जैसे तीसरा नियम था ना क्रिया प्रत्येक प्रतिक्रिया का नियम, के प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऐसा ही यहां पर क्या था कि पहला आवेश जितना बल दूसरे आवेश पर लगा रहा है उतना ही उसके विपरीत में दूसरा आवेश पहले पर भी बल लगा रहा है, और पहला आवेश दूसरे के विपरीत में बल लगा रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, ठीक है ना। ओवरऑल बात, इसका निष्कर्ष अगर हम निकालें तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा कूलाम के नियम का, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब और इनटू में कौन आ जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है ना। यह कूलाम के नियम का सदिश रूप है, और कूलाम के नियम के सदिश रूप में क्या निष्कर्ष निकला कि ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, यानी कि जितने बल से दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो पहला आवेश दूसरे को जितने बल से आकर्षित करेगा, अगर दोनों के बीच में आकर्षण बल है तो जितने बल से पहला आवेश दूसरे को आकर्षित करेगा सेम उतने ही बल से दूसरा आवेश पहले को भी आकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद बात करेंगे अभी नेक्स्ट और टॉपिक्स के बारे में, चलिए देखते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब कुछ समझ में आया, अब है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे कि कोई एक अकेला आवेश है Q, ठीक है, इसके ऊपर अन्य कोई आवेश हैं जो कि सबके सब क्या लगा रहे हैं, बल लगाएंगे भाई, जाहिर सी बात है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ऐसे ही कितने आवेश हैं, n तक आवेश हैं, ठीक है, n तक आवेश हैं। तो पहला आवेश इस पे बल लगाएगा, दूसरा आवेश भी इस पे बल लगाएगा, तीसरा आवेश भी इस पे बल लगाएगा, और ये nth जो आवेश है इसका वो भी इस पर बल लगाएगा।
तो ओवरऑल जो ये क्यू है ये कितने बल का अनुभव करेगा, कितने बल का ये अनुभव करेगा, जो इसका नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स निकलता है अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, बल कैसी राशि है, सदिश है। तो जब हमें इस क्यू आवेश पर अगर नेट फोर्स हमें निकालनी होगी तो वो कैसे निकलेगी कि जितना फोर्स क्यू वन क्यू क्यू पर लगा रहा होगा, जितना फोर्स क्यू टू क्यू पर लगा रहा होगा, जितना फोर्स क्यू थ्री क्यू पर लगा रहा होगा, ऐसे ही क्यू एन जितना फोर्स लगा रहा होगा, सब फोर्स का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, सबका सदिश योग कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम कर देंगे सबका क्या, सदिश योग। मान लीजिए पहला वाला कितना बल लगा रहा है, एफ वन, दूसरा वाला कितना लगा रहा है, एफ टू, तीसरा वाला आवेश जो कितना बल लगा रहा है, एफ थ्री, ऐसे ही आपके कितने हैं, एन आवेश हैं, तो लास्ट वाला कितना बल लगा रहा है, एफ एन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या रहेगी कि किसी बिंदु आवेश पर आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला कुल बल उन अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे, किन्हीं आवेश निकाय के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल उन अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो कुल फोर्स उस आवेश के ऊपर होगा। ठीक है, यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। देखिए अंतर कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, अंतर कुछ इस तरीके से है, पहले कुछ समानताएं हैं इनमें और फिर इनमें क्या है, कुछ असमानताएं हैं। ठीक है, देखिए कूलाम का जो नियम है वो अभी अभी आपने पढ़ा, कूलाम का जो नियम है वो क्या पढ़ा आपने अभी अभी, वो आपने पढ़ा एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साइलन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम का नियम से जो बल था दो आवेशों के बीच, हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रखा है, ये हालांकि विद्युत बल होता है तो इसको हम ई लगा करके शो करेंगे, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमने पढ़ा था जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल था। ठीक है, अब इन दोनों बलों में हमें क्या पढ़नी है, इन दोनों बलों में हमें पढ़नी है समानताएं और असमानताएं, यानी कि दोनों के यही क्या हो जाएंगे, अंतर भी कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इनमें समानताएं क्या क्या हैं, कि दोनों बल संरक्षी बल हैं, क्योंकि इन बलों के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरी बात कि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों का होता है। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक है स्लाइड में, थोड़ी सी मैं खुद से लिख देता हूं, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए दूसरा इसका जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा जो पॉइंट है इसका वो ये है कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित हैं, पर आधारित हैं। ठीक है, दोनों के दोनों दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित हैं। देखिए जैसे कि ये है एफ, व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, दूरी के, एफ ई बोल लीजिए इलेक्ट्रिकल फोर्स, ऐसे ही आपका एफ जी भी क्या होता है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है ना, ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो ये इन दोनों बलों में क्या है, समानताएं हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं असमानताओं की, तो असमानताओं में गुरुत्वाकर्षण बल
पर माध्यम की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल पर माध्यम का जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, अभी अभी हमने दिखाया था कि जो है अगर हम कोई के माध्यम रख देते हैं, के माध्यम रखने पर बल देखिए कितना हो जाता है, के माध्यम रखने पर जो बल होता है वो कितना हो जाता है, पहले कितना था कि वायु होती थी तो 1/4π ε0 Q1 Q2 r² होता था, माध्यम रख देने पर कितना हो जाता था 1/4π ε0 Q1 Q2 r² यानी कि के का इसमें क्या हो जाता था यहाँ पर नीचे गुणा। ठीक है ना, गुणा करने से के का क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको हम एफ ओ कह दें, इसको एफ एम कह दें, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये इतनी वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है, क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी डिवाइड करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, दोनों में मैं जब डिवाइड करूंगा तो 1/ यानी के आएगा, के घूम करके हम ऊपर पहुंचा देंगे यानी के। ठीक है ना, तो यहां से ये बात निकल करके आएगी इतनी बात। ठीक है, तो इस पर क्या होएगा, जैसे जैसे परावैद्युतांक माध्यम बदलेंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बदलेगी, आवेशों के बीच में लगने वाले बल की वैल्यू भी बदलेगी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक तीव्र होता है, यानी विद्युत बल जो होता है वो कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 की घात 43 होता है, यानी समझ रहे ना कितना ज्यादा वैल्यू हो गई इसकी उसके कंपैरिजन में।